मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ एक पढ़ेंगे। पाठ एक में हरिहर काका के बारे में एक कहानी बताई गई है। इस कहानी के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका के बारे में बताया है कि किस प्रकार से उनके जीवन में क्या क्या घटनाएँ घटी हैं, ये हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ठाकुर बारी के महंत और साधुओं ने हरिहर काका का अपहरण कर उनसे जबरन अंगूठे के निशान ले लिए और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 11 से लास्ट पैराग्राफ से। पुलिस इंचार्ज अभी सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। जो जब वो पुलिस इंचार्ज वगैरह जो दरोगा थे या जो पुलिस वो थे, उन्होंने ठाकुर बारी की क्या ली, तलाशी ली। जब उन्हें लगा कि इस कमरे में ताला क्यों लगाया है, तो उस वृद्ध ने जवाब दिया कि इस कमरे में अनाज है। लेकिन पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना हम इस कमरे की तलाशी लें। वो जब सोच ही रहे थे कि उतने में ही उस कमरे से धक्के की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस के जवान सावधान हो गए। जो पुलिस के जितने भी जवान थे वो सब उस आवाज़ को सुनकर सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले, उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। खून खौलना मतलब गुस्से में आ जाना, कि उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उस वक्त अगर महंत और पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। अब जो उनके भाई हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हरिहर काका की जो स्थिति उन्होंने कर रखी थी, उनके हाथ पैर बांध दिए थे, मुंह बांध रखा था और उनसे जबरन अंगूठे के निशान ले लिए, तो उनको देखकर उनके भाइयों को बहुत गुस्सा आया और वह सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई साधु संत होते तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे को धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया। मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। जो ठाकुर बारी के जो साधु संत थे, उन्होंने हरिहर काका के साथ क्या क्या जातियाँ की, उन सब का राज खोलना, उन सब के बारे में बताना शुरू किया कि किस प्रकार से उन्होंने उन पर अत्याचार किए हैं, कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। मतलब जो हरिहर काका हैं, उन्होंने किस प्रकार से उन्हें बताया, साधु संतों को क्या बताया, हत्यारे, डाकू और कसाई, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने बताया कि वो सब मुझे तो इस कमरे में बंद कर दिया और खुद यहाँ के कोई गुप्त दरवाज़ा है वहाँ से भाग गए हैं। और उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान भी ले लिए हैं। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज किए। मतलब हरिहर काका देर तक उन साधुओं के बारे में, उन महंत पुजारियों के बारे में बयान, मतलब उनका हाल बताते रहे कि किस प्रकार से मेरे साथ यातनाएं की गई। उनके शब्द शब्द में साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। मतलब उनके जो जो उनके साथ वृतांत हुआ, उनके साथ जो भी हाल हुआ, उनके हर एक शब्द में साधुओं के प्रति नफरत और घिन व्यक्त हो रही थी, बयां हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बारी के महंत पुजारियों साधुओं के बारे में कहा है। जो हरिहर काका हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी बुराई किसी के लिए नहीं करी होगी जितनी उन्होंने ठाकुर बारी के महंत और पुजारियों के बारे में कही है। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। अब जो हरिहर काका हैं, वो अपने भाइयों के साथ वापस उनके घर में रहने लग गए थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। पहले जहां हरिहर काका रहते थे दालान में, वहां पर उन्हें नहीं रखा गया, उन्हें घर के अंदर रखा गया, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर। संजोकर मतलब संभाल कर, और बहुमूल्य बहुत ज़्यादा कीमती ऐसी कोई वस्तु है जिसको हम छिपा कर रखते हैं, संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार हरिहर काका का भी ध्यान रखा गया। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते के सभी सूरमा थे।
मतलब सभी जो उनके रिश्तेदार थे उन सभी को वहाँ पर बुला लिया गया। सूरमा मतलब बहादुर लोगों को बुला लिया गया था, सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे, 2400 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अब हरियर काका की सुरक्षा के लिए उनके जो रिश्तेदार थे उन सभी ने 2400 घंटे पहरे देना शुरू कर दिया। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। अगर किसी काम की वजह से हरियर काका को बाहर जाना पड़ता तो घर के लोग हथियार लेकर उनके साथ चलते थे। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते, भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते रहते थे। उनके भाइयों ने भी अपना कर्तव्य समझकर उनकी रक्षा करना शुरू कर दिया। आधे लोग सोते तो आधे जागते थे। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। जो ठाकुरबाड़ी है वहाँ पर भी निर्दयी लोग, खूंखार मतलब निर्दयी लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। मतलब बच्चों को भी इतना डर लगने लगा, बच्चे क्या बड़ों को भी डर लगने लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत भयानक निर्दयी लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। तो बच्चों ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। हरियर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बटा हुआ था। पहले वाले वर्ग कहते थे कि ठाकुरबाड़ी की जो ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए हरियर काका को ज़मीन, और कुछ लोग जो थे जो परिवार वाले थे वो कहते थे कि नहीं, उन्हें अपनी ज़मीन भाइयों। पहले ही दो वर्गों में था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की जाने लगी। मतलब इस तरह ये जो घटना अभी घटी है, मतलब जो महंत और पुजारियों ने हरियर काका को बंदी बना लिया था, उनके साथ अत्याचार किए, इस वजह से अभी भी गांव के दोनों वर्गों में नई नई बातचीत होने लगी, नए नए बदले प्रतिक्रियाएं व्यक्त होने लग गई। और अब हरियर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। पहले हरियर काका कैसे थे, अनपढ़ थे, सीधे साधे थे, जो कहता उसकी बातों में आ जाते थे। लेकिन अब हरियर काका पहले की तुलना में अब और ज़्यादा चतुर हो गए हैं। अपेक्षा मतलब पहले की तुलना में चतुर और ज्ञानी हो चले। वे महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाइयों का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अब हरियर काका को भी समझ में आने लग गया कि उनके जो भाई हैं वो उनकी इतनी देखरेख क्यों कर रहे हैं, उनकी इतनी उनका इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं, इनका इतना आदर, इनकी इतनी सुरक्षा क्यों कर रहे हैं। ये सगे भाइयों का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वो उनको पूछते तक नहीं। अगर हरियर काका के पास अगर एक ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं होता, एक ढेला भी नहीं होता, तो वो लोग उनको नहीं पूछते। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। इस गांव में ऐसे भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी जायदाद अपने परिवार वालों को दे दी तो वो उन्हें पूछते तक नहीं है। बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वह उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरियर काका को अब सब नज़र आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। महंत ने जो चिकनी चुपड़ी बातें की थी कि आप सालों तक तुम्हें याद किया जाएगा, सालों तक तुम्हें अमर रखा जाएगा, ये सारी बातें उन्हें याद आने लग गई थी। अब वह जान गए कि ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने साधुओं का पेट पालता है, उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया जा रहा है। मतलब एक जरिया है ठाकुरबाड़ी, उसकी आड़ में वो एक घिनौना काम कर रहा है। साधु के बाने में महंत, पुजारी, उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। कुकर्मी मतलब बुरा काम करने वाले हैं। सिर्फ साधुओं का वेश उन्होंने धारण करा, बाने मतलब वेश, उन्होंने साधुओं का वेश धारण कर रखा है, लेकिन वो बहुत लोभी, लालची और बुरे काम करने वाले हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं।
मतलब छल से और ताकत से और अपना बुद्धि से, कल मतलब अपनी बुद्धि से वो धन अर्जित करना चाहते हैं और बिना परिश्रम किए आराम से ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छुपाने के लिए ठाकुर बारी को इन्होंने माध्यम बनाया है, मतलब अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए वो ठाकुर बारी में रहकर साधुओं का वेश धारण करा हुआ है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरियर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास भटकने तक नहीं देंगे। अब उन्होंने सोच लिया कि जो महंत और पुजारी हैं उनको अपने आसपास भी नहीं भटकने देंगे, उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों के को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। दूध की मक्खी मतलब तुच्छ हो जाना, मतलब बेकार हो जाएंगे, उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं होगा, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। जो हरियर काका है वो सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी जायदाद अपने भाइयों के नाम कर दी तो उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं होगा। लेकिन हरियर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ और ही तैयार हो रहा था। अब हरियर काका तो सोच रहे हैं कि वो ठाकुर बारी के महंत को से बातचीत नहीं करेंगे, उनके भाइयों को जमीन जायदाद नहीं लिखेंगे, लेकिन जो घर का माहौल था, जो बाहर का जो गांव का वातावरण था, वो कुछ और ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उस दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें, वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी रहेगी, उनकी जो तेज़ दृष्टि है, उनकी जो बुरी नज़र है वो उन पर लगी रहेगी जब तक वे ये ज़मीन जायदाद उनके भतीजों के नाम नहीं लिख देते, मतलब उनके भाइयों के नाम या उनके परिवार वालों के नाम नहीं लिख देते, जब तक वो जो ठाकुर बारी के महंत हैं वो तेज़ नज़र से तुम्हारे और मंडराते रहेंगे। सिर पर मंडरा रहे तूफान से युक्ति पाने के लिए उनके समक्ष यह सही और एकमात्र रास्ता है। अब उनके भाई और उनके रिश्तेदार उन्हें समझा रहे हैं कि ये जो तूफान तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, ये जो तूफान तुम्हारे ऊपर घूम रहा है, इससे मुक्ति पाने का यही एकमात्र और सही रास्ता है, इसे तुम्हें अपना लेना चाहिए। दोपहर, सुबह, शाम, रात गए तक यही चर्चा, दिन भर मतलब सुबह शाम रात दिन यही चर्चा, लेकिन हरियर काका साफ नकार जाते, साफ मना कर देते, कहते मेरे बात तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। महंत के अंगूठे के जो जबरन निशान लिए गए उनके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। वो कह रहे हैं कि हमने जो महंत ने जबरन अंगूठे के निशान लिए थे उसके लिए तो हमने मुकदमा कर ही दिया है, और मेरे मरने के बाद ये ज़मीन स्वतः ही तुम लोगों को मिल जाएगी, इसलिए इसको लिखने का कोई अर्थ नहीं है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया। अब जो उनके भाई हैं उन्होंने भी महंत जैसा कार्य शुरू कर दिया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। उन्होंने जब उनसे प्यार से समझाया तब तो वो नहीं समझे, लेकिन जब डांटना शुरू किया तब भी हरियर काका ने मना कर दिया, स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे, जब तक वह ज़िंदा हैं तब तक ये ज़मीन वह किसी के नाम नहीं करेंगे। बस एक रात उनके भाई ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरियर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, अब उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके सगे भाई भी उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े हो गए, कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ जरूरत हो अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलेगी। अब जो उनके भाई हैं उन्होंने भी वही रास्ता अपना लिया जो महंत और पुजारियों ने और ठाकुर बारी के साधुओं ने अपनाया था, जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए, उसी प्रकार उनके भाइयों ने भी हथियार लेकर उनके सामने हो गए और उन्हें गुस्से से कहने लगे या तो तुम इस पे अंगूठे के निशान लगा दो अन्यथा तुम्हें यही मारकर गाड़ देंगे, गांव वालों को पता तक नहीं चलेगा।